हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे एक्सेल के अंदर ईयर, मंथ और डे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो है, सबसे पहले मैं यहां पर जो एक डेट अप्लाई कर देता हूं। आप एक्सेल के अंदर जब भी कोई डेट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें मंथ डालना होता है, फिर उसके बाद हमारी डेट आती है और डेट के बाद हमारा सन आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो एक डेट डाल दी है 18 अक्टूबर 1987। अब जो है मैं आज की डेट अप्लाई कर देता हूँ। आज की डेट अगर आपको एक्सेल के अंदर अप्लाई करनी हो तो आप उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी आज की डेट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो दो डेट डाल दी है, यानी कि 18/10/1987 और आज है हमारी 19/11/2019। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं जब से लेके अब तक कितने साल हो चुके हैं, कितने मंथ हो चुके हैं, कितने डे हो चुके हैं। तो हम इसे कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, इसके जो है दो तरीके होते हैं। मैं जो है आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। यहाँ पर भी मैंने ईयर मंथ डे लिखा है, यहाँ पर भी, तो मैं आपको दोनों ही तरीके इन दोनों में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं ईयर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं इजुगल टू लगा देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं डेटेड इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, डेटेड इफ लगा देता हूँ। और अब जो है मैं इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमारी पहले वाली डेट होती है मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद जो मैं दूसरी डेट डाल देता हूं, जो मेरी आज की डेट है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद मैं फिर से कॉमा लगा देता हूं। कॉमा लगाने के बाद अब जो है मैं यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करता हूं और यहां पर मुझको ईयर निकालना है तो मैं ईयर का जो है वाई प्रेस कर देता हूं और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूं और ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो ये देखिए, यहां पर जो है मेरा ईयर आ चुका है, यानी कि 1987 जब से लेके अब तक 32 साल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसको जो है मंथ को हम दो तरीके से जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला तरीका जान लेते हैं। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ। यहाँ पर जो है फिर से मैं डेटेड इफ फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, पहले वाली जो डेट है मेरी उसको सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, आज की डेट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देता हूँ। ईयर निकालने के लिए मैंने वाई प्रेस किया था, मंथ निकालने के लिए मैं एम प्रेस कर देता हूँ। अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ, अब एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मेरे टोटल मंथ आ चुके हैं 385 महीने, यानी कि इस डेट से लेके अब तक, इस डेट तक टोटल 385 महीने हो चुके हैं। यदि आप इसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। अगर हम ईयर निकालेंगे तो यहाँ पर 32 ही आएगा, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 32 और यहाँ पर जो है देखिए, अब मैं मंथ निकालता हूँ, इज इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं डेटेड इफ का फॉर्मूला फिर से मैं अप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, पहले वाली डेट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, आज की डेट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ। अब जो है देखिए, मैं क्या करता हूँ, ईयर के साथ मुझे मंथ निकालने, यहाँ पर मैंने मंथ निकालने के लिए सिर्फ एम प्रेस किया था, लेकिन अब मुझे ईयर के साथ मंथ निकालने, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाई प्रेस कर देता हूँ, वाई के साथ जो है मैं एम प्रेस कर देता हूँ और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा एक मंथ आ चुका है। ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है अब, यानी कि जब से लेके अब तक 32 साल एक महीना हो चुका है। और यहाँ पर जो है इसने आपको क्या दिखाया था कि जब से लेके अब तक टोटल इतने मंथ हो चुके हैं। तो इस तरीके से, दोनों ही तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं डे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पर भी मैं जो है डेटेड इफ अप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, पहले वाली डेट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, दूसरी डेट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करता हूँ। डे के लिए मैं सिंपल डी प्रेस कर देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। यदि आप जब से लेके अब तक डे को काउंट करोगे तो यानी कि 11,720 दिन हो चुके हैं, यानी कि इस डेट से इस डेट तक इतने दिन हो चुके हैं। अब हमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डे को कैलकुलेट करना है तो इसी तरह से करेंगे। इज इक्वल टू लगाता हूँ, डेट इफ अप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, पहले वाली डेट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ,
आज की डेट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देता हूँ। अब जो है मैं मंथ के साथ डे निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ डी प्रेस किया था, यहाँ पर मैं एम प्रेस करता हूँ पहले, फिर मैं डी प्रेस करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट भी क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है दिन भी हमारे आ चुके हैं, यानी कि अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ आप चेक करोगे जब से लेके अब तक 32 साल 1 महीना 1 दिन हुआ है। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप टोटल मंथ कैलकुलेट करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यदि आप टोटल दिन काउंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।